brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक और फैसला पलट सकते हैं। जी हां, इसको लेकर कई विधायकों ने गुहार लगाई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वार पर गुहार है सीपीए को दोबारा लागू करने को लेकर। क्या है सीपीए और क्या वाकई में शिवराज सिंह चौहान जिस योजना को बंद कर चुके थे साल 2022 में, उसको मोहन यादव दोबारा मध्य प्रदेश में शुरू करेंगे, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को बंपर जीत हासिल हुई, लेकिन आपको बता दें कि मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। शिवराज सिंह चौहान जो लगातार 18 सालों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके पास से सीएम की कुर्सी चली गई। उसके बाद से आपको बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट ने कई सारे फैसले लिए, उनमें से कुछ फैसले ऐसे थे जो शिवराज सिंह चौहान सरकार के समय गए लिए गए फैसलों को पलटा गया या फिर उन फैसलों को निरस्त किया गया। इसी कड़ी में अब सीपीए का मामला जो है वो मध्य प्रदेश में गरमा रहा है। आपको बता दें कि कई विधायक जो हैं वो डॉक्टर मोहन यादव के पास पहुंचे हैं और सीपीए को दोबारा लागू करने की मांग की है। आपको बता दें कि प्रदेश की पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृष्णा गौड़ ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर सीपीए को पुनर्जीवित करने की मांग की। कृष्णा गौड़ का कहना है कि सीपीए के पुनर्जीवन होने से राजधानी में बाग बगीचों और फॉरेस्ट एरिया को अच्छे से उसका विकास हो सकेगा। वहीं आपको बता दें कि कृष्णा गौर के अलावा कुछ और मंत्रियों ने भी और कुछ और विधायकों ने भी डॉक्टर मोहन यादव को इस सिलसिले में पत्र लिखा है। अब आपको बता दें कि आखिरकार सीपीए है क्या। आपको बता दें कि शहर को व्यवस्थित तरीके से डेवलप करने के लिए साल 1960 में आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत सीपीए का गठन किया गया था। सीपीए का मतलब है राजधानी परियोजना प्रशासन। दर्शकों को बता दें कि इसका काम भोपाल शहर की सड़कों को बनाना और उसका मेंटेनेंस करना था। इसके अलावा उसके जिम्मे पर उद्यान, बिल्डिंग निर्माण, पुल पुलियाएं बनाने और दूसरे काम भी आए। इस विभाग को नए शहर को खूबसूरती देने में बड़ी भूमिका रही है। नए मंत्रालय बनाने से लेकर वीआईपी रोड जैसे कई बड़े काम सीपीए के अंतर्गत ही किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि भारत भवन, शौर्य स्मारक, ट्राइबल म्यूजियम, मानव संग्रहालय, टीटी नगर स्टेडियम, सतपुड़ा, विंध्याचल आदि इमारतें भी सीपीए ने ही बनाई हैं। वहीं दर्शकों को ये भी बता दें कि शिवराज सरकार के कार्यकाल में साल 2022 में सीपीए को बंद कर दिया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस के कार्यकाल में सीपीए को बंद किया गया और आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग में एक डिवीजन के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। वहीं दर्शकों को बता दें कि तमाम मंत्रियों के पत्र सीएम मोहन यादव के पास पहुंचे हैं और इसको लेकर मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के अफसरों की बैठक बुलाई है। वहीं आपको बता दें कि सीपीए को लेकर लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले वक्त पे इस पर एक बड़ा फैसला हो सकता है। वहीं दर्शकों को बता दें कि यह कोई पहला फैसला नहीं होगा जो डॉक्टर मोहन यादव ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पलटा हो। इससे पहले आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान के अवैध कॉलोनियों को वैध करने के फैसले को भी डॉक्टर मोहन यादव पलट चुके हैं। साथ ही भोपाल बीआरटीएस को हटाने का फैसला भी मोहन यादव ले चुके हैं। हालांकि इस पर जो भी फैसला होगा वो एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।